एपिसोड की स्टार्टिंग बेलवुड से होती है। बेलवुड में गर्मी का दर्जा हरारत बहुत बढ़ चुका था। वहीं एक लड़की जिसका नाम ईस्टर होता है कुछ चुरा कर भाग रही होती है। शहर की आधी पुलिस उसके पीछे होती है। ईस्टर न्यूक्लियर फ्यूजन डिवाइस चुरा कर भागेगी। ईस्टर इनके हाथ में ही लग रही होती। तब बेन और रुक अपने पोरोटो ट्रक में आते हैं। बेन क्रैश ऊपर में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन और रुक दोनों इसका पीछा करने लगते हैं। ईस्टर ऊपर बिल्डिंग्स पर से भाग रही होती है। बेन उसके पीछे भागता हुआ बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। ईस्टर ऊपर से बेन को टॉन्ट करती है। इसी दौरान ईस्टर से वो फ्यूजन डिवाइस नीचे गिर जाती है। बेन उसे पकड़ने लगता है कि रुक उसे फौरन रोकता है। फ्यूजन डिवाइस से जमीन भी पिघलने लगती है। ईस्टर ऊपर से ही लंबा हाथ करके उस बॉल को पकड़ लेती है और लम्हे में इनकी नज़रों से ओझल हो जाती है। जाने से पहले वो बेन से कहती है, मुझे तुम्हारा ये वाला एलियन कुछ पसंद नहीं आया। रुक सुनकर बेन को तंग करता है और कहता है शायद उसे इंसानी रूप वाला बेन ज़्यादा पसंद हो। बेन उस पर गुस्सा होता है। रुक अपने स्कैनर से ईस्टर की लोकेशन मालूम करता है। इन्हें अंडर टाउन उसकी लोकेशन मिल जाती है। बेन और रुक दोनों अंदर जाते हैं। वो आसपास देखते हैं पर इन्हें कुछ खास नहीं मिलता। अंडर टाउन में ऊपर से भी ज़्यादा गर्मी थी। बेन पानी की बोतल लेकर खुद पर डालता है। तभी उसकी नज़र भागती हुई ईस्टर पर पड़ती है। दोनों फिर से उसके पीछे जाते हैं पर ईस्टर भागने में बहुत माहिर थी, फिर से भाग जाती है। रुक उन पाइप का निशाना बनाता है जिस पर ईस्टर भाग रही थी और बेन ईटल में ट्रांसफॉर्म होता है। रुक और ईस्टर पाइप्स पर लड़ने लगते हैं। बेन ऊपर से इन पर जंप करता है। बेन के जंप करने से पाइप टूट जाता है और सब नीचे गिर जाते हैं। बेन ईस्टर से फ्यूजन इंजन हासिल कर लेता है। तभी कुछ और लोग आ जाते हैं और खुद को क्राहो कहते हैं। इनके लीडर का नाम सैबिक होता है। क्राहो को इतनी गर्मी में भी सर्दी लग रही थी। सबने फुल गर्म कपड़े पहने हुए थे। बेन भी नॉर्मल हो जाता है। ईस्टर उसे फ्यूजन इंजन लेकर सैबिक की तरफ उछालती है। ईस्टर सैबिक की तरफ आ जाती है। सैबिक उसे वापस हॉटस्पॉट पर जाने को कहता है। बेन को एलियन बनने लगता है पर उसकी ओमनीटिक से रिचार्ज हो रही थी। सैबिक अपने साथी क्राहो को कहता है बेन को खत्म कर दो। बेन उन्हें कहता है मेरे साथ रुक को भी खत्म करो, वो मुझसे ज्यादा अच्छे से लड़ता है। ईस्टर ऐसा नहीं चाहती। वो सैबिक को कुछ भी गलत करने से मना करती है पर सैबिक उस पर काफी गुस्सा होता है। सब क्राहो आगे आते हैं। वो सब अपने हाथ लंबे लंबे कर लेते हैं और जोर जोर से जमीन पर पाँव मारते हैं। बेन तब ग्रेव अटैक में आकर अपनी ग्रेविटी पावर से सबको ऊपर उठा लेता है। तभी फिर से ओमनीट्रिक्स का टाइम आउट हो जाता है। अब क्राहोस के लिए इन्हें मारना और भी आसान था पर तब ईस्टर सब पर पानी खोल देती है। सब पानी में जमने लगते हैं। ईस्टर उन्हें फंसा देकर बेन का हाथ पकड़कर भागती है। बेन कहता है वो उनसे हारकर भाग नहीं सकता। ईस्टर कहती है वो अब कुछ नहीं करेंगे, उन्हें जो चाहिए तक उन्हें मिल गया है, अब आगे कुछ नहीं होता। ईस्टर इनको ट्यूनल के रास्ते शहर में ले आती है। ईस्टर कहती है वो आगे क्राहो है इसलिए उसे इतनी ठंड नहीं लगती। कुछ एलियन ईस्टर को हॉकी खेलने के लिए बुलाते हैं। ईस्टर चली जाती है, साथ बेन भी जाता है जबकि रुक को अभी भी ईस्टर पर शक होता है। सब हॉकी खेलते हैं। ईस्टर और बाकी के एलियंस बहुत फास्ट खेलते हैं। बेन इनका मुकाबला करने के लिए एक्सेलरेट में ट्रांसफॉर्म होता है और बहुत अच्छा गोल करता है। बेलवुड में गर्मी अपने जोबन पर थी। बेन सबको ठंडा करने के लिए वाटर हैजर्ट में ट्रांसफॉर्म होकर सब पर बारिश बरसाता है और सबके लिए रेनबो बनाता है। मजाक मजाक में वो ईस्टर पर भी पानी फेंकता है। रुक को ये सब अच्छा नहीं लग रहा होता। ईस्टर बेन को पसंद करने लगती है। रुक भी ये बात नोट करता है। रुक बेन से कहता है हीरो बनो और ईस्टर को पकड़ो क्योंकि वो एक चोर है, वरना मुझे ही अपना मुंह खोलना पड़ेगा। बेन रुक की बात सुनकर कुछ परेशान सा हो जाता है। सीन क्राहो पर शिफ्ट होता है। वो फ्यूजन इंजन की मदद से बहुत बड़ी मशीन बना चुके थे और अब उस मशीन को एक्टिव कर दिया गया था। फ्यूजन इंजन के मैग्मा से टकराने से जमीन फटती है और हर तरफ से आग के लावे निकलते हैं। इनका मकसद पूरा होने पर भी सैबिक सिर्फ इतने पर राजी नहीं था। दरअसल ईस्टर के ख्याल में उसने फ्यूजन इंजन बस क्राहो को सर्दी से महफूज करने के लिए चुराया था, पर सैबिक के दिमाग में क्या है वो ये नहीं जानती थी। सैबिक क्राहो के लिए बेलवुड को हासिल करना चाहता था। लावा निकलकर बेलवुड की सड़कों पर बहने लगता है। चंद ही पल में हर तरफ तबाही मच जाती है। बेन न्यू एलियन आर्टिगोना में ट्रांसफॉर्म होता है और लावे को फ्रीज कर देता है। रू कहता है अभी भी लावा बह रहा है और वो ईस्टर पर गुस्सा करता है। ईस्टर कहती है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। बेन उसे कहता है तुम्हें वो जगह तो मालूम है ना जहाँ वो रहते हैं और जहाँ से उन्होंने फ्यूजन इंजन का इस्तेमाल किया। पर ईस्टर अपने ही लोगों को धोखा नहीं देना चाहती। बेन उसके सामने हाथ जोड़ता है क्योंकि कुछ देर में लावा अंडर टाउन को तबाह कर देने वाला था। ईस्टर सैबिक के पास जाती है और उसे कहती है तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। सैबिक कहता है आखिर हम इस गुफा में कब तक रह सकते हैं, हमें अपने लिए पूरी दुनिया चाहिए। बेन और रुक छुप कर देख रहे थे। बेन एनआरजी में आता है। बेन रुक को कहता है सबका ध्यान भटकाओ और मैं फ्यूजन डिवाइस लेकर आता हूँ। रुक एक गेम के बहाने सबको अपने पीछे लगा लेता है। सब क्राहो रुक के पीछे उसे पकड़ने और मारने लग जाते हैं। नीचे बहुत गर्मी होती है। रुक का बुरा हाल हो जाता है।
फिर भी वो सबको बड़े अच्छे से हैंडल कर रहा होता है। कुछ कराहू इसरो को भी पकड़ लेते हैं, सैबी खुद रूक से लड़ता है। रूक को बचाने के लिए इसरो भी मैदान में आती है। बेन की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। गर्मी से बेहाल होते रुक बेन को जल्दी करने को कहता है। तब सैबिक का ध्यान उसकी तरफ जाता है। रुक तो गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त ना करते हुए वहीं गिर जाता है, जबकि अब सब ग्राहो बेन पर झपट पड़ते हैं। वो बेन का सूट तोड़ देते हैं और एनआरजी अपनी असल फॉर्म में बाहर आ जाता है। एनआरजी यानी बेन जल्दी से मशीन के पास जाता है और फ्यूजन इंजन को पकड़ कर खा जाता है। बेन इंजन को खाने से जोर का डकार मारता है। आग का शोला उसके मुँह से निकलता है। सैबिक और इसके साथी दो बस मुंह खोले बेन की कार्रवाई देखते रह जाते हैं। बेन सब मशीन्स को तबाह कर देते हैं। शहर में बहता लावा रुक जाते हैं और बेन भी नॉर्मल हो जाता है। सैबिक इसरो को कहता है तुम जीत गए। इसरो कहती है उसने ये जीत के लिए नहीं किया। बेन कहता है तुम लोग यहाँ सुकून से रह सकते हो, ये भी अंडरटाउन का ही हिस्सा है। सैबिक और बाकी सब क्राहो इसरो के आगे झुक जाते हैं और उसे ही अपना लीडर बना लेते हैं। इसरो ऐलान करती है कि वो सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे। इसरा बेन के गले लगती है और कहती है मैं वादा करती हूँ जब तक हम यहाँ हैं हम तुम्हारे अच्छे पड़ोसी बन के रहेंगे। बेन को इसकी यह हरकत थोड़ी अजीब लगती है और रुक को लेकर जल्दी से बाहर आता है। रुक की हालत बहुत ख़राब थी। बेन उसे लीमू पानी पिलाता है। बाहर सब बेन को इसरा का बॉयफ्रेंड कहकर पुकारते हैं। रुक भी शक्की नज़र से देखते हैं। बेन कहते हैं वो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।